हाय गाइस, मेरा नाम है निकुल और आप देख रहे हैं व्यक्त टेक चैनल को। तो यहाँ पे आज हम कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M31s का उनके खुद के ही सैमसंग गैलेक्सी M51 के साथ में। वैसे तो M31s काफ़ी कमाल का कैमरा, काफ़ी कमाल का डिस्प्ले है, एक मैसिव बैटरी बैकअप के साथ में आता है, बट ये जो M51 है वो उससे भी बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, जो जो कमियाँ हमें M31s में देखने को मिलती है वो सारी कमियाँ पूरी करने वाला है सैमसंग गैलेक्सी M51। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम इन दोनों स्मार्टफोन का डिटेल में कंपेरिजन करेंगे, आपको बताएगी कि आपको M31s खरीदना चाहिए या फिर M51। hey, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप ऐसे इंटरेस्ट सकते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए या फिर स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए, तो हमारे इस व्यक्त तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब तक M51 लॉन्च नहीं हुआ है, बट ये सो स्मार्टफोन इसके सभी लीक्स जो है वो बाहर आ चुके हैं, तो उसके बेसिस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं इन दोनों स्मार्टफोन का। तो यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन जो है वो सच में काफ़ी कमाल के हैं, एंड दोनों स्मार्टफोन में हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सेम देखने को मिलती है, बट जो जो कमियाँ हमें M31s में देखने को मिलती है वो सारी कमियाँ M51 पूरी करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन की, तो दोनों स्मार्टफोन में हमें ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन जो हमें पॉलीकार्बोनेट मतलब कि प्लास्टिक के बॉडी के साथ में देखने को मिलेंगे। बैक साइड में क्वेयर शेप में क्वाड कैमरा का सेटअप दोनों स्मार्टफोन में, पैटर्न में सिर्फ चेंज होगा, बट दोनों में हमें सेम बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी जो कि होगी पॉलीकार्बोनेट की बॉडी। तो यहाँ पे दिखने में दोनों स्मार्टफोन काफ़ी प्रीमियम होने वाले हैं, बट डिस्प्ले की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों यहाँ पे भी आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 6.5 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन में है, जो कि काफ़ी पंची कलर्स एंड काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज्यादा वीडियो कंटेंट देखते हो तो ये डिस्प्ले आपके लिए बने हैं। काफी कमाल का कलर कॉम्बिनेशन आपको इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले में देखने को मिलेगा। दोनों डिस्प्ले नॉर्मल 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आते हैं, साथ ही साथ मिनिमम बेजल्स के साथ भी आते हैं, और यहाँ पे दोनों में हमें देखने को मिलता है मिडल में पंच होल वाला कैमरा, जो कि स्मार्टफोन के लुक को काफी इनहांस करता है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में, लुक के मामले में दोनों स्मार्टफोन सेम है, आपको ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में भी आपको 5mm का ऑडियो जैक, USB टाइप सी एंड स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे स्मार्टफोन की जो डिजाइन है दोनों की ऑलमोस्ट सेम होने वाली है, बट दोस्तों परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे दोनों में हमें डिफरेंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। M31s में हमें Exynos का 9611 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 10nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। 2.4GHz का ये प्रोसेसर है, बट यहाँ पे जो GPU है वो है मालिका G72 वाला। और यहाँ पे बात करें दोस्तों M51 की, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम M सीरीज में देखने को मिलेगा Qualcomm Snapdragon का 675 या फिर 730G वाला प्रोसेसर, मतलब कि Qualcomm का प्रोसेसर आने वाला है। तो यहाँ पे आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस का, क्योंकि Exynos के प्रोसेसर जो है वो थोड़े से हैंग होते हैं या फिर थोड़े बहुत हीटिंग के इशू पैदा करते हैं, जो कि M51 में हमें नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे 675 होगा या फिर 730G, इसके बारे में कंफर्म नहीं है, बट दोनों में से एक प्रोसेसर होगा। तो यहाँ पे अगर 730G होता है तो गेमिंग का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका टॉप नॉच का होने वाला है। दोस्तों सोचिए पोको X2 की तरह गेमिंग आपको सैमसंग के स्मार्टफोन में देखने को मिलेगी, तो ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से मार्केट में जो है वो तहलका मचा देने वाला है। स्पेशली गेमिंग के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन साबित होगा, जिसमें कि GPU होगा Adreno का 618 वाला, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड प्रोसेसर है। तो यहाँ पे डे टू डे लाइफ, मल्टीटास्किंग एंड स्पेशली गेमिंग का एक्सपीरियंस आपको M51 में बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप गेमिंग के लिए स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको M51 की तरफ जाना चाहिए। इसी के साथ बैटरी की यहाँ पे बात करें तो M31s में आपको एक मैसिव 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 25W की सुपर फास्ट चार्जिंग के साथ में, साथ ही साथ आपको रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। आपके स्मार्टफोन के साथ आप किसी दूसरे का भी स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हो, मतलब कि आप एक पावर बैंक कैरी कर रहे हो, क्योंकि काफी बड़ी बैटरी है जो आपको मिनिमम 2 दिन का जो है वो बैकअप देने वाली है। बट दोस्तों M51 में आपको उससे भी ज्यादा बैटरी देखने को मिलेगी, ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जो आएगा 7000mAh की बैटरी के साथ में, मतलब आप स्मार्टफोन नहीं कैरी कर रहे, आप कैरी कर रहे हो एक पावर बैंक। यहाँ पे भी आपको 25W की सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में एंड बैटरी के मामले में M51 जो है वो M31s से जो है वो काफी बेहतरीन होने वाला है। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हो या फिर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो तो M51 आपके लिए बना है। साथ ही साथ कैमरा की यहाँ पे बात करें तो दोस्तों कैमरा के मामले में आपको कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। दोनों स्मार्टफोन
में आपको सेम कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 64 मेगापिक्सल की प्राइमरी लेंस सोनी IMX 682 वाले सेंसर के साथ में, 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल की लेंस एंड 5-5 मेगापिक्सल के माइक्रोन डिप सेंसिंग के लेंस, सब कुछ आपको दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप में सेम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको 32 मेगापिक्सल की सेल्फी जो है वो भी सेम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो जो फीचर M31S के कैमरा में देखने को मिलते हैं वो सभी आपको M51 में देखने को मिलेंगे। तो कैमरा के मामले में यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा, डिस्प्ले भी सेम है, कैमरा भी सेम है, बट यहाँ पे आपको बैटरी एंड परफॉर्मेंस बेहतर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोनों स्मार्टफोन जो आते हैं डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट के साथ में, एंड्रॉइड की लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 10Q उनका 1UI 2.0 के साथ में। बट यहाँ पे दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करें तो M31S में हमें राइट साइड की तरफ से फिजिकली फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, तो शायद से M51 में हमें जो है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। बट दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, यहाँ पे आपको राइट साइड की तरफ से फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे ओवरऑल बात करें तो दोनों स्मार्टफोन जो है वो काफी बढ़िया स्पेक्स के साथ हमें देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे वेरिएंट की बात करें तो M31S में हमें दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 6GB की रैम, 128GB का स्टोरेज 19,500 में, 8GB की रैम, 128GB का स्टोरेज 21,500 में। तो यही बात करें M51 की तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट देखने को मिलेगा 8GB की रैम, 128GB का स्टोरेज लगभग 22,000 की प्राइस रेंज में, एंड इसका एक हायर वेरिएंट होने वाला है 8GB की रैम, 256GB का स्टोरेज जो लगभग 25,000 में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे प्राइस के मामले में थोड़ा सा महंगा होने वाला है M51, बट यहाँ पे इसमें आपको उस प्राइस रेंज के हिसाब से काफी कमाल के स्पेक्स देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका बजट सिर्फ 20,000 है तो M31S आपके लिए काफी कमाल का है, बट अगर आपका बजट एक्सपांड कर सकते हो तो आप बेझिझक M51 की तरफ जाइए, जो कि काफी बेहतरीन गेमिंग के एक्सपीरियंस के साथ एंड काफी लंबी बैटरी बैकअप के साथ में आता है। इसके के साथ आपको बेहतरीन कैमरा तो देखने को मिलता ही है, बट बेहतरीन डिस्प्ले भी देखने को मिलता है। अब आप सोचिए आपको इंतजार करना है M51 का या फिर आपको अभी बाय करना है M31S। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं, जब हम ये वीडियो बना रहे थे M51 तब तक लॉन्च नहीं हुआ था, बट ये स्मार्टफोन जो है वो बिल्कुल इसी तरह होने वाला है। शायद से इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, बट कुछ भी चेंज होता है तो हम आपको जरूर बता देंगे। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप इससे इंटरेस्ट सकते हो टेक्नोलॉजी के बारे में जानने के लिए या फिर स्मार्टफोन के बारे में जानने के लिए, तो हमारे स्पेक्टर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तो मिलते ही ऐसे ही कमाल के वीडियो में।